क्या मैं ब्रेकफास्ट में स्वीट ट्रीट्स खा सकता हूँ मामा? खत्म हो गए मेरे बेटे। हेनरी ये सुनकर चिल्लाने वाला है। मैं जानती हूँ। उसे ये जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं जानती हूँ। इतनी भूख लगी है कि मैं पूरा बॉइल्ड पोश खाओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि स्वीट ट्रीट्स खत्म हो गए हैं। इसलिए मैंने यम्मी पोरिज बनाया है। पोरिज, ये है ब्रेकफास्ट चैंपियंस का। पोरिज? मैं नाश्ते में पोरिज क्यों खाऊंगा यार? क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है। इसमें है B1, B5, B6, विटामिन ई, जिंक, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। आखिर कोई पोरिज क्यों खाना चाहेगा? पोटेशियम। ये एक सुपर डुपर ब्रेकफास्ट है हेनरी। जैसे तुम एक सुपर सुपर करेले हो करेले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोई लेसन्स नहीं होने वाले हैं। क्या सच कह रही है क्या? आज के दिन हम एक बहुत ही सीरियस चुनौती का सामना करना है। एश्टन प्राइमरी का हर एक बच्चा सबसे बेस्ट होना चाहिए और एश्टन प्राइमरी के बच्चे बाकी बच्चों से बेहतर होने चाहिए। हम हैं एक और हम हैं बेस्ट। हम हैं एक और हम हैं बेस्ट। तुम जानते हो हम क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसा क्यों? तुम चुप नहीं रह सकते। ब्रायन, क्या तुमने सारे कैलकुलेशंस कर दिए हैं? जी हाँ मिस ऑडबॉड। और तुम्हारे कंप्यूटर के मुताबिक वो बच्चा कौन होगा जो ये चैलेंज जीत पाएगा? वो हेनरी है मिस। हेनरी? हाँ हेनरी। नहीं। क्या तुम जानते हो तुम चिल्ला क्यों रहे हो हेनरी? नहीं। एनुअल चैरिटी फंडरेजिंग मैराथन मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या कहा? The annual charity fundraising marathon meeting of minds. तुम्हारे चिल्लाने की वजह क्योंकि तुम हिस्सा लेने वाले हो। नहीं। तो चलो चलो, हम सबको बहुत जरूरी काम करना है। क्या है मार्गरेट? क्या ये भी हमारे साथ आएगा मिस? कभी कभी मार्गरेट, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती। तुम बच्ची हो इसीलिए तुम्हें अभी से तमीज सीखना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हम बस ये जानना चाहते हैं क्या ये भी हमारे साथ आएगा। तो क्या मैं समझूं कि तुम हेनरी की बात कर रही हो मार्गरेट? क्या आपको यहाँ और कोई हेनरी दिख रहा है मिस? तुम बहुत बदतमीज हो मार्गरेट, पर इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये हमारे साथ आएगा तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सही कहा मार्गरेट, करनी पड़ेगी। और शुरुआत करने के लिए कौन बेहतर हो सकता है? सिवाय मिस्टर सॉगिंटन के। वैसे तो और कई लोग बेहतर हो सकते हैं, पर वो जाने दो। तो चलो उठो सभी, हमें काम पर लग जाना चाहिए। तुम भी उठो बेवकूफ, हमें ये सब तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं उन गिडियंटिस लड़कियों को कभी जीतने नहीं देने वाली, और तुम भी ये बात याद रखना, समझे? ए, तुम आ रहे हो कि नहीं? क्या तुम्हें पता है हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम हैं? तुम्हें किसने पूछा है? जनरल नॉलेज राउंड है। हाँ? और उसके लिए जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हाँ? फिर जनरल फिटनेस राउंड है। हाँ? और उसके लिए चाहिए। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, उसके लिए जनरल फिटनेस होना चाहिए। और फिर अंत में मास्टर बेस्ट बॉय या गर्ल का राउंड भी होने वाला है। हाँ वहाँ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन छोड़ दो, वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। हाँ देखते हैं क्या होता है। हमेशा मुझे ही ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? तुम कर सकते हो मार्गरेट, तुम तो बेस्ट हो मार्गरेट, हमें तुम पर भरोसा है मार्गरेट। तो ये भी सुन लो। क्या? मैं करूँगी, मैं बेस्ट हूँ और रहूँगी, हमेशा याद रखना। सब अपने स्टेशन पर जाओ, हम एक मिनट भी जाया नहीं कर सकते। टीम हेनरी में
स्वागत है। टीम हेनरी, ये सुन के अच्छा लगा। अब शायद ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। पहला है ब्रायन मैथ्स के लिए। मैथ्स? दूसरा है एल तुम्हें कसरत कराने के लिए। क्या कसरत? पर उसकी क्या जरूरत है? बस थोड़ा फुटबॉल खेलेंगे, डरो मत। और गुरिंदर करेगी तुम्हारा अच्छा सा मेकअप। वो सिर्फ तुम्हारे बाल बनाएगी बुद्धू। ग्रहम तुम्हारा खाना संभालेगा। मार्गरेट तुम? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और बाकी सब भी पूरी तरह से तुम्हारा साथ देने वाले हैं हेनरी। ये तुम्हें यकीन है कंप्यूटर पर मेरा ही नाम आया था? हा? क्या तुम मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार हो? नहीं। अब हम तैयार हैं। बढ़िया किया बच्चों। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है हम ये अच्छे काम के लिए तो कर रहे हैं? और ये कौन सा काम है? मिस ऑडबॉर्ड ने उसके बारे में तो नहीं बताया। तो वक्त आ गया है मेरे दोस्त, तुम ये कर सकते हो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और राल्फ? बोलो। थैंक्स। जाओ दिखा दो हेनरी। तो मैं फाइनल राउंड तक पहुंच गया हूँ। और वो फाइनल राउंड क्या है? मास्टर बेस्ट बॉय का राउंड। अब आगे मुझे संभालने दो। मैंने कहा था ना हेनरी, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तो आप बदमाश हेनरी को मास्टर बेस्ट बॉय कैसे बनाएंगी? मैं हॉरिड हेनरी हॉरिड, मैं हूँ ही बेस्ट। आज कर कुछ अच्छा काम, ना कोई बदमाशी। ये सारे मेरे दोस्त मुझे कर रहे हैं बूस्ट। आओ सब मिलके हम दिखा दे, हम ही आएंगे फर्स्ट। नो फियर, लेट्स शेयर, हम जीत के दिखाएंगे। सारे के सारे चैलेंजेस हम जीत के दिखाएंगे। नो फियर, लेट्स शेयर, हम जीत के दिखाएंगे। सारे के सारे चैलेंजेस हम जीत के दिखाएंगे। मास्टर बेस्ट बॉय बनूंगा, जीतूंगा मैं। हम सबने की है मेहनत, तो जीत हमारी है। थोड़ी सी बदमाशी करने को जी चाहे। ये हॉरिड हेनरी हॉरिड आखिर बदमाशी है। No fear, next year हम जीत के दिखाएंगे। सारे के सारे चैलेंजेस हम जीत के दिखाएंगे। No fear, next year हम जीत के दिखाएंगे। सारे के सारे चैलेंजेस हम जीत के दिखाएंगे। और ये थे जीरो ज़ॉम्बीज, जिन्होंने एक बड़ा मजेदार गाना गाया। ये गो जीरो ज़ॉम्बी। थैंक्स करेले। ये गाना जैसे कि हम जानते हैं लिखा है मार्गरेट मोडिटा स्मिथ ने। मार्गरेट मेलिसेंट मोडिटा स्माइट। हाँ, थैंक यू। ब्रेकफास्ट तैयार है। और क्या ये सच है मिस स्मिथ? स्माइट, स्मिथ नहीं स्माइट। क्या आपने आपके स्कूल में कुछ भी नहीं सीखा? पॉरेज, ब्रेकफास्ट चैंपियंस का। और क्या ये सच है कि इस वीडियो के सारे प्रॉफिट्स आप चैरिटी में देने वाले हैं? बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ना। बदमाश हूँ पर बेस्ट बॉय भी हूँ।